राष्ट्रीय युवा महासंघ के अध्यक्ष इंजीनियर एल के निराला ने राजेश्वरी पूर्वी में विस्तृत संविधान निर्माता सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जन्मदिवस पर 14 अप्रैल को प्रतिमा स्थापित करने के लिए युवाओं की एक अहम बैठक बुलाई गई, जिसमें सभी की सर्वसम्मति से 14 अप्रैल को बाबा साहब के जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर त्रिवेणीगंज अनुमंडल क्षेत्र के किसी सार्वजनिक स्थल पर बाबा साहब के आदमकद प्रतिमा लगाने का प्रस्ताव किया गया। राष्ट्रीय युवा महासंघ के सचिव सिंटू कुमार मेहता ने रखा उपस्थित सभी लोगों के तन मन धन से बाबा साहब के आदमकद प्रतिमा लगाने में अपना सहयोग देने का संकल्प को भी दोहराया। इस अवसर पर काफी सारे लोग भी नजर आए। सभी का कहना था कि जनमानस को बाबा साहब के सिद्धांत एवं उसूल पर चढ़ने और चलने का पक्का चुका है, इसके लिए यह उद्देश्य है और वह पूरा भी किया जाना है। आज जो हम लोगों की बैठक हुई राष्ट्रीय युवा महासंघ की कोर कमेटी की, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि आने वाला जो 14 अप्रैल है विश्व रत्न सिंबल ऑफ नॉलेज संविधान के निर्माता दलित शोषित के आदर्श आदरणीय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, जिसका सुपौल जिला में केवल जिला मुख्यालय में एक प्रतिमा है। हम लोग चाहते हैं कि उनके विचारधारा का प्रचार प्रसार हो, दलितों शोषितों वंचितों पिछड़ों में उनके प्रति जनजागृति हो, संवैधानिक अधिकार के प्रति लोग जागरूक हो, शिक्षित हो, क्योंकि बाबा का साहब का नारा ही था शिक्षित बनो संघर्ष करो संगठित रहो। इसलिए हम लोगों ने आज ये फैसला लिया है कि बाबा साहब का एक आदमकद प्रतिमा हम लोग त्रिवेणीगंज मुख्यालय से लेकर के त्रिवेणीगंज मुख्यालय अंतर्गत किसी भी सामुदायिक सार्वजनिक स्थान पर हम लोग जगह का चयन करके, अभी हम लोगों का जो प्रस्ताव पास हुआ है कि बाबा साहब का प्रतिमा स्थापित होना है, जगह का चयन अभी हम लोग नहीं किए हैं, जगह का चयन भी एक दो दिन में कर लिया जाएगा, विभागीय अनुशंसा भी ले ली जाएगी और उसके बाद हम लोग बाबा साहब का आदमकद प्रतिमा साथ में लाइब्रेरी पुस्तकालय ताकि बच्चों में और बुजुर्गों में भी शिक्षा का संचार प्रसार हो प्रचार प्रसार हो। और बाबा साहब कहते थे जो कौम अपना इतिहास नहीं जानता है वो अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता है। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जो सच्चा इतिहास है, जो इतिहास हमें आज तक हमसे छुपाया गया, उस इतिहास को हम जनमानस के बीच लाए, इसके लिए हम लोगों ने प्लानिंग किया और बहुत जल्दी 14 अप्रैल को हम लोग प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसमें बहुत सारे अतिथि को भी हम आमंत्रित कर रहे हैं और सहयोग भी दे रहे हैं। बहुत बहुत R9 भारत के लिए शहबाज खान, ब्यूरो रिपोर्ट।